जरिए में आने पे खुश आमदीद कहता हूँ। और टीम माइक्रोनॉक्स जनाब असद रफी और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ये इवेंट किया। और मैं ये समझता हूँ कि लोगों का लहू गरमाने के लिए इस तरह के इवेंट होने चाहिए। और क्योंकि आज इस खुशी के साथ थोड़ी सी बात गम वाली भी है कि न्यूजीलैंड में जो हादसा हुआ, जो दहशतगर्दी हुई और उसके जो हमारे शहदा हुए उनके साथ हजारे यकजहती और जिन्होंने दहशतगर्दी की पुरजोर मजम्मत करते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होगी कि जिनकी वजह से हम खुली फ़िज़ाओं में खुले सांस लेते हैं और ये इस तरह के देखें जश्न मनाते हैं, PSL मनाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। अगर मैं उनका नाम ना लूँ, असद रफी साहब आपकी इजाज़त से, मैं ये समझता हूँ कि जिनकी वजह से आज हम ये सारी खुशियाँ मना रहे हैं कि ये असद रफी साहब जो जिस तरह की एक्टिविटी करते हैं, ये लोगों गरमाने की इस तरह के ये कोई ना कोई बहाने तलाश करते रहते हैं, आज भी इनको ये मिल गया। तो मैं आपका जनाब अपनी पूरी टीम से ऑल ट्रेडर वेलफेयर स्टेशन ब्लू एरिया की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ब्लू एरिया में आपने ये एक्टिविटी की। तो मैं ये कह रहा था कि जिनकी वजह से हम ये खुशियाँ मना रहे हैं, इन फिजाओं में खुले सांस ले रहे हैं और जो हम चाहते हैं वो हम कर रहे हैं। अगर आज का ये शो, ये एक्टिविटी, मैं असद रफी साहब की इजाजत से आप इजाजत दे रहे जनाब कि ये मैं उनके नाम करता हूँ पांच पोस्ट, जिनकी वजह से ये सब कुछ हमें मयसर है। हम खुशियाँ मनाते हैं, हम यहाँ खेलते हैं, कूदते हैं, मगर मेरे नॉलेज के तहत 65 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस पे वो बैठे हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं। तो क्यों ना उनके लिए एक नारा हो जाए पांच फौज। तो जनाब ये वो फौज है जब दुश्मन ने मैली आंख से आपकी तरफ देखा तो वो आंख निकाल दी गई। ये वो फौज है जब दुश्मन ने जहरियत की कोशिश की तो पाक फौज ने ऐसे दंदान चिकन जवाब दिया कि वो जो गिदड़ बबकियां मारने वाले वो भाग के, वो छुप के। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि हम हमेशा, हमारी अवाम ये वाहिद फौज है, ये वाहिद पाकिस्तानी फौज है जिसके साथ पूरे पाकिस्तान की अवाम उनसे आगे लड़ने के लिए तैयार होती है। तो मैं जनाब जनरल बाजवा साहब का मशहूर हूँ, मैं अपनी पूरी अवाम की तरफ से, इस ब्लू एरिया के प्लेटफॉर्म की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी फौज, आपकी वादर फौज हमारे इस हिफाजत में नामूर है। बहुत शुक्रिया जनाब जनरल बाजवा साहब। तो बाकी आप लोग सारे यहाँ तशरीफ लाए, आपका शुक्रिया, ब्लू एरिया आपको वेलकम करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस तरह की एक्टिविटी आइंदा भी जनाब असद रफी साहब करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला मैच मेरा ख्याल शुरू हो गया है तो हम हमेशा इस तरह की एक्टिविटी को अपना अप्रिशिएट करेंगे। तो जो भी टीम, जो भी बेहतर खेलेगी, ये दोनों टीमें हमारी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबान। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सदरा सती, ओविजन स्पेशल के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। जी, आज PSL फाइनल है और मैच की गहमा गहमी तो आप देख रहे होंगे। पेशावर जलमी और कोयटा ग्लेडिएटर्स मदे मुकाबल हैं। अब फैसले की घड़ी जो है वो करीब करीब है, देखते हैं कौन जीतता है। इसके साथ जीत किसी की भी हो, चाहे कोयटा की हो, पेशावर जलमी की हो, जीत असल मायने में पाकिस्तान की हुई है। पाकिस्तान ने तमाम लोगों को ये मैसेज दे दिया है कि पाकिस्तान एक बहुत अमन पसंद मुल्क है और हम दहशतगर्दी और किसी भी किस्म की चीज़ों से शिकस्त खाने वाले लोग नहीं हैं, हम जम के मैदान में खेले हैं। इसी के साथ माइक्रोनॉक्स ने आज यहाँ पे स्क्रीनिंग करवाई है ब्लू एरिया इस्लामाबाद में। मैच होंगे कराची में हो रहा है लेकिन गहमा गहमी यहाँ देखी जा रही है। बड़ी ही एक्साइटेड है क्राउड और ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान किसी भी मैदान में पीछे है। पाकिस्तान जी हर मैदान में आगे है और PSL 4 के बाद अब ये कहना बहुत आसान हो गया है कि PSL 5 पाकिस्तान में होगा। जी नाज़रीन, इसमें बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माइक्रोनॉक्स, विजन टीवी, घर.com और इब्तिदा के CEO असद रफी साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। असद रफी साहब, ये बताइएगा कि कैसे महसूस कर रहे हैं, आपने इतना कामयाब किस्म का यहाँ पे इवेंट किया है, स्क्रीनिंग करवाई है, मैचेस कराची में हो रहे हैं लेकिन जोश व खरोश यहाँ देखने को मिल रहा है। सिद्रा, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी एंड थैंक यू विजन टीवी। मैं कहूँगा कि खुशी के मौके हमारी ज़िंदगियों में बहुत कम आते हैं और आज
मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का और हमारी पाक फ़ौज का, जिनकी वजह से आज हम बड़े फ्रीडम के साथ इतने लोगों के साथ ब्लू एरिया में मैच सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत गहमा गहमी है बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि जितनी एक्साइटमेंट इस वक्त कराची स्टेडियम है उसी वक्त उतनी एक्साइटमेंट इस वक्त यहाँ पे ब्लू एरिया में भी है, राइट। बहुत ही डिसेंट क्राउड है, बहुत ही लोग एनर्जेटिक हैं, कुछ क्वेटा को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ पेशावर को सपोर्ट करें, बट मुझे लगता है एट एंड ऑफ द डे पाकिस्तान इज अ विनर। अच्छा आपस की बात है, आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? जी मैं तो वैसे लाहौर को सपोर्ट कर रहा था, राइट। मेरी टीम है वो बहुत पहले आउट होगी, अगली दफ़ा हम और तैयारी करेंगे, लेकिन आज के दिन में अगर मैं देखूं तो आई थिंक सो क्वेटा ग्लैडिएटर्स। क्वेटा ग्लैडिएटर्स, यानी पहले आप लाहौर को सपोर्ट कर रहे थे, अब आपने बाजी पलटते ही पार्टी चेंज कर ली? नहीं, आज फाइनल है, राइट। हर कोई किसी न किसी को पिक कर रहा है, मैं डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दूंगा, मैं कहूंगा कि एक कोई टीम है जो आज जीतेगी, तो आई एम सपोर्टिंग क्वेटा ग्लैडिएटर्स। देयर आर लॉट ऑफ पीपल ओवर हियर दैट आर सपोर्टिंग क्वेटा ग्लैडिएटर्स। अच्छा, यहां पे क्राउड को देख के आपको क्या लग रहा है कि ज्यादा पेशावर जलमी को सपोर्ट करें या क्वेटा ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट करें? हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक 50% है तनासुब, बराबर बराबर चल रहा है, यस, एंड द एक्साइटमेंट इज देयर। अच्छा देखिए, ये मैसेज पाकिस्तान का जो है वो पीस का गया है, पीएसएल 4 जो है वो बहुत कामयाबी से हुआ है, आप कैसे देख रहे हैं कि पीएसएल 5 जो है पाकिस्तान में होगा? मैं ज़रूर चाहूँगा कि पीएसएल के तमाम मैचेस पाकिस्तान के अंदर हों, क्योंकि शायद हमारी कौम को इस तरह की एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट की ज़रूरत है, और क्रिकेट तो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीन्स में, हमारे खून के अंदर है। आप देख सकते हैं ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, फैमिलीज भी यहाँ पर हैं, लड़के भी हैं, बट इट्स अ वेरी डिसेंट क्राउड जी। एग्जैक्टली, सो इस्लामाबाद में रहते हुए दिस इज़ अ ट्रू सक्सेस जी। बिल्कुल, आपने ब्लू एरिया की तमाम आवाम को जगा दिया है और तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत जोश वलवला देखने में है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं कि फ़ौज ने जो हमारी सिक्योरिटी है वो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ की गई, यही वजह है कि पाकिस्तान में मैचेस जो हैं वो हो सके? आई थिंक सो सिद्धार्थ, सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान आर्मी को जाता है, पाकिस्तान एयरफोर्स को जाता है, आर्म फोर्सेज को जाता है, उन्हीं की वजह से हम और आप एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं की वजह से हम और आप फ्रीडम को इंजॉय कर रहे हैं, आज़ाद फिज़ाओं में हम सांस ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसकी सक्सेस का पूरा सेहरा जो है वो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को जाता है। और हुकूमत के बारे में क्या ख्याल है, हुकूमत का क्या किरदार है? आई थिंक सो गवर्नमेंट टुक अ राइट इनिशिएटिव एट द राइट टाइम। मैं चाहूँगा कि वो इसी तरह और भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को इनक्रेज करें, क्योंकि पाकिस्तान की यूथ को, पाकिस्तान के लोगों को इंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है। अब वो ज़माने चले गए कि हम और अफसरदा हों, अब टाइम है कि हम आगे बढ़ें और तरक्की करें और दुनिया में अपना नाम रोशन करें। बिल्कुल, और कोई मैसेज देना चाहेंगे आप, प्लीज मैसेज एनीवन हु आर वाचिंग यू? आई थिंक सो मैं तमाम व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे का साथ दें, क्योंकि साथ और सहारा ही सक्सेस का रीज़न होता है। यही मैं पाकिस्तानियों को कहना चाहूँगा और तमाम पाकिस्तान की आवाम के लिए, तमाम लोगों के लिए मेरा आई थिंक मैच जो है वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच साहब, और आपने आगे हमें टाइम दिया, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड थे आप, बहुत बिजी थे, आपका टाइम थोड़ा सा मिल गया, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि लोगों से आपके इंटरेक्शन हो गया और लोगों ने आपको देख भी लिया, एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस स्क्रीनिंग। आई थिंक सो द सक्सेस गोज टू टीम माइक्रोनॉक्स, टीम विजन, टीम इब्तिदा एंड टीम घर.com। यू गाइस डिड अ मार्वेलस जॉब। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। शान ए पाकिस्तान। This is a champion DJ Bravo. PSL, are you ready? All my Quaters fans, let me see your hands. Every Quaters fans, help me sing this song. Quater, Quater, be the gladiator. Quater, Quater, be the gladiator. Quater, it's our time. Gladiators, it's our time. This year is we time to shine. Representing on the front. नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त विजन टीवी के कंसल्टेंट सैयद आसिम रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं, इससे पहले आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, यानी कोई आपकी टीम नहीं है? नहीं, जो अच्छा खेल रही है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और खास तौर पे क्वेटा ग्लैडिएटर मेरा फेवरेट है इस वक्त, क्योंकि गुज़िश्ता 3 टूर्नामेंट्स के वो फाइनलिस्ट, मतलब पहुंचे हैं फाइनल में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जीत सके। तो आप समझ रहे हैं कि उनको भी अभी डिजर्विंग टीम है? बॉडी लैंग्वेज। अच्छा, कोई आपका फेवरेट प्लेयर
फेवरेट प्लेयर है? शेन वॉटसन इस वक्त जो है कोयटा ग्लैडिएटर के वो बहुत अच्छे जा रहे हैं, और खास तौर पे मैं ये समझता हूँ कि कोयटा की टीम एज ए टीम खेल रही है, टीम खेल और फवाद जिनका बॉलर है, लास्ट अभी उसको इंजरी हुई थी, उसका जॉ डैमेज हुआ, ऑपरेट करवाया, लेकिन इसकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखें कि वो इतने ज़बरदस्त अंदाज में कमबैक किया, इवन दो कि अभी उसकी सर्जरी हुई हुई है, उसने बॉलिंग इतनी परफेक्ट की है, तो मेरे ख्याल से टीम जीतती है, इंडिविजुअल नहीं जीता। ठीक, अच्छा सर एक बात और बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि इस बार जो मैच हुआ है उसमें सिक्योरिटी का बड़ा ख्याल रखा गया है, बड़ा सक्सेसफुली जो है PSL 4 जो पाकिस्तान में हुआ है, PSL 5 तवक्को है कि पाकिस्तान में हो सकेगा? जी इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान में होगा, और हैट्स ऑफ फॉर पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान आर्मी जिन्होंने इतनी पाकिस्तान के अंदर अम को कायम किया, कराची में अम कायम हुआ, रद्दुल फसाद और उसके अलावा ज़रबेअज़्ब होती रही, ये आवाज़ें आप सुन रहे हैं, बिल्कुल बहुत ये रौन के बहाल में पाकिस्तान की दुश्मनों की शिकस्त और पाकिस्तान की कामयाबी, पाकिस्तान में इंटरनेशनल प्लेयर्स का आना, इस वक्त पाकिस्तान में जो इस फाइनल हो रहा है इसमें अगर आप देखें PSL के लिए जो लोग आए, पूरी दुनिया से इंटरनेशनल प्लेयर्स आए, तो ये पाकिस्तान जीत रहा है। अच्छा आप क्या समझते हैं कि आइंदा वर्ल्ड कप के भी चांसेस हैं PSL के बाद, कोई मौका मतलब ऐसा हो सकता है कि होगा? अभी अभी जो बांग्लादेश की विमेन क्रिकेट टीम है उसके लिए बात चल रही है, बिल्कुल, और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान आ जाएगी, और पाकिस्तान के लिए अब डोर्स ओपन हो चुके। अच्छा इंटरनेशनल क्रिकेट के डोर्स जो है वो पाकिस्तान के लिए ओपन हो चुके हैं। अच्छा सर मैं चाहूंगी कोई मैसेज आप देखने वालों को दें। जी बिल्कुल, जिंदगी को जिंदा दिलों की तरह जिए, और खास तौर पर PSL सिर्फ PSL नहीं है, पाकिस्तान इस वक्त जीत रहा है, हमें पाकिस्तान के लिए मिलकर सोचना है, और पाकिस्तान के लिए इसी जज्बे से जो आज हमारी फौज, हमारी आवाम, हमारे स्पोर्ट्समैन इस वक्त पूरी दुनिया को मैसेज दे रहे हैं, ये अमन का पैगाम है। बिल्कुल ये अमन का पैगाम है, पाकिस्तान ने PSL 4 कामयाबी से पाकिस्तान में मुनक्किद करवा के PSL 5 के दरवाजे पाकिस्तान में खोल दिए हैं। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सत्ती विजन स्पेशल से चाहती हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। Thank you.